और शो होता है जो भी एक्टिंग करते हैं चाहे जो भी कुछ करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसके पहले हुआ होगा पटना हुआ है, लेकिन ऐसे भव्य पैमाने पे फर्स्ट टाइम मार्स एंटरटेनमेंट इतनी बड़ी महोत्सव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो नए नए सिंगर हैं उन लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगा और वो लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि आज भोजपुरी का जो लेवल है इससे और बढ़ेगा, भोजपुरी में भोजपुरी का मान और सम्मान हो रहा है। एक बड़ा सम्मेलन है यहाँ, तो क्या इसमें कौन सी आपके ऐसे अभी तक गाना होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे या लोगों को पसंद आया होगा? देखिए अभी तो हमको 12 साल हो गया, बचपन से हम सिंगिंग करते आए हैं, तो पब्लिक प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। बस विक्की भैया जो है इस मार्स एंटरटेनमेंट के जो डिजिटल मैनेजर है, हमारे हर एल्बम के डिजिटल मैनेजर, उन्होंने बोला कि बस एल्बम के लिए हम करा रहे हैं और आपका काफ़ी योगदान रहा। तो मैंने बोला क्योंकि आज मैं जो भी हूँ एल्बम की मार्फत, तो बाद में फिल्मों से भी जानते हैं, तो एल्बम के लिए जहाँ भी लोग हमें बुलाएंगे हम जरूर। कोई ऐसा दो बोल गुनगुनाना चाहेंगे? समर भाई हैं बहुत अच्छा गाएंगे, अभी मैं थका हूँ बात। ठीक है, थोड़ा सीधा भाईडी सीधी लगाए कैमरा लगा, ठीक है रोल। अमित जी ये बताइए कि आज के रोल आज गोरखपुर के महोत्सव कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कुछ संदेश यहाँ से आप पकड़ लीजिए ना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समर से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। अभी भी आज रक्षनाथ बाबा की धरती पे गोरखपुर में ये मार्स महोत्सव हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे गांव से लेके छोटे छोटे जिले और शहरों से जो गाना गाते हैं, एल्बम गाते हैं सिंगर, उनको बढ़ावा देने का एक काम है और एल्बम से जितने लोग हीरो बने हैं तो एल्बम का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज तक हमारे भोजपुरी में। जितने भी लगभग अगर देखा जाए तो 80% या 90% लोग एल्बम गा के हीरो बने हैं भोजपुरी में, तो उसका ये महोत्सव है, उसका ये सम्मेलन है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विक्की यादव जी को जो कि मार्स एंटरटेनमेंट के मालिक हैं और यूट्यूब के डिजिटल को मतलब हम लोगों के सारे जितने भी सिंगर यहाँ हैं सबको मतलब वही मैनेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और एक भव्य पैमाने पे ये कराया गया कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। कितना वक्त हुआ आपको इस भोजपुरी लाइन में? हमको तो कम से कम लगभग हो गया 14 साल। अच्छा, इन 14 सालों में कोई ऐसा बोल होगा जो आप गुनगुनाना चाहेंगे जो आपको? बहुत सारे गाने हैं, अभी लेटेस्ट में गाना हमारा एक हिट हुआ है तू धरा वाला थ्रेसर, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ। दो बोल आप सुनिए। हर की रात भर सैया हमार बढ़े टेम्परेचर, ये गांव की चीज़ है, मिट्टी की चीज़ है जो कि हमारे गांव में होता है, बुआई जुताई कटाई उसकी चीज़ है। हर की रात भर सैया हमार बढ़े टेम्परेचर तू धरावेला थ्रेसर तू धरावेला थ्रेसर, वो ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि लगभग 4-5 महीने में लगभग 150 मिलियन के करीब हो गया एक चैनल पे। तो आज हमारे भोजपुरी के गाने भी 100 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं, तो भोजपुरी कहीं से कम एल्बम के गाने कहीं से कम नहीं नजर आते हैं। थैंक यू भैया। ये स्नेह उपाध्याय जी हेलो कौन गाने।